हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी बेटा 6th क्लास की सोशल साइंस की बेटा वर्कशीट है, ठीक है। और वर्कशीट का जो नंबर है वो है 23, और जो हमारी डेट है वो है 18 दिसंबर 2020। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बच्चे न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज़, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज मोनेस्ट्रीज या विहार के बारे में, जो विहार होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि बौद्ध जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। जो मतलब जो बौद्ध या जैन के जो बुद्धिस्ट हैं वो क्या है, मॉन्क्स हैं, वो क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या जाते रहते हैं टीचिंग पीपल, लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब अपने उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए। बट ड्यूरिंग रेनी सीजन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, सो दे स्टे इन वन प्लेस। लेकिन जब ये रेनी सीजन हो जाता है, जब बारिश आती है, तो उनके लिए मतलब वन प्लेस टू वन प्लेस उनके लिए जाना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्या है, वो एक जगह पर स्टे करके मतलब एक जगह रहते हैं। इनिशियली दिस प्लेस यूज टू टेम्प्रेरी शेल्टर्स, बट मोर परमानेंट शेल्टर्स वर बिल्ड लेटर एंड दस मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड, ठीक है। तो क्या है, इसी के तरह से क्या है कि ये पहले तो ये क्या था, टेम्प्रेरी प्लेस था, लेकिन बाद में क्या है? ये इनके लिए क्या परमानेंट प्लेस बन गया, और इसको ही हम क्या है मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। एंड दीज जो ये मोनेस्ट्री को हम विहार्स भी बोलते हैं। द अर्लीस्ट विहार्स आर मेड ऑफ, पहले जो विहार बनते थे वो क्या वुड के लकड़ी के बनते थे, और बाद में उनमें क्या ब्रिक मतलब ईंट का भी यूज़ होने लगा। मतलब पहले तो पूरे क्या है वो लकड़ी से ही बनते थे विहार्स, लेकिन बाद में क्या है वो लकड़ी ईंट के भी बनने लगे, जैसे मकान बनते हैं। एंड सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हील्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, लाइक और सब में मतलब, और जो कुछ तो क्या है जो केव होती हैं जो उनको डिग आउट करके मतलब उनको खोद के हिल्स पे बनते हैं, और ये स्पेशली कहाँ बनते हैं, वेस्टर्न इंडिया में। जैसे आपको क्या है एक डायग्राम भी दे रखा है कि कार्ले केव है महाराष्ट्र में अ विहार वेयर मॉन्क्स एंड नंस लिव्ड एंड मेडिटेट। ये कार्ले जो लेव है ये भी क्या है यहाँ पे, जो ये भी एक विहार है जहाँ पे क्या है मॉन्क और जो नंस होती हैं, भिक्षु और भिक्षुन जिसको बोलते हैं, वो क्या है यहाँ पे मेडिटेट करते हैं और रहते हैं। अब आगे हम क्या पढ़े हैं कि वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वाज बिल्ड वाज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और द किंग, के जहाँ पे जो ये विहार बने हुए हैं ये बनाने में क्या है कौन मदद करता है कि जो रिच मर्चेंट है, किंग है, लैंड ओनर, इन्होंने क्या है यहाँ पे इनको जमीन अपनी दी है। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। जो लोकल पीपल है वहाँ पर, जो मतलब आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए क्या है मॉन्क्स और नन्स के लिए क्या खाना लेके आते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं और कपड़े लेके आते हैं। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और उसके रिटर्न में वो क्या करते हैं उन लोगों को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, टॉट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी बेटा आज की जो है वर्कशीट है, बहुत आसान है, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा बच्चों, अच्छी लग रही हो तो लाइक का और सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिएगा कि व्हाट वर द विहार्स, के विहार्स क्या होते, तो हम क्या लिख देंगे कि विहार्स आर परमानेंट शेल्टर्स, हम क्या लिखेंगे विहार्स, इसको हम मोनेस्ट्रीज भी बोलते हैं, विहार्स आर, यहाँ से फिर लिख देंगे परमानेंट शेल्टर्स, ठीक है, विहार्स आर परमानेंट शेल्टर्स। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे फॉर नंस एंड मॉन्क्स, क्या है नंस एंड मॉन्क्स के लिए क्या है ये परमानेंट शेल्टर है। तो इतना क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि विहार्स आर परमानेंट शेल्टर फॉर नंस एंड मॉन्क्स। इतना बच्चे ये आप लिख लें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हम आगे कि हाउ वर द विहार्स बिल्ड, के जो विहार्स थे वो कैसे बनते, तो हमने अभी पढ़ा के हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड अप ऑफ वुड एंड ब्रिक, के जो पहले के जो विहार थे वो वुड और ब्रिक के बने होते थे, लेकिन सम कुछ ऐसे हैं कि जो केव मतलब जो गुफाओं को काट के बने हुए हैं हिल्स पे, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें बताना भी कि कुछ स्पेशली भी हैं जो मतलब केव्स को काट के मतलब डिग आउट करके बनाए गए हैं, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि हु हेल्प्ड इन बिल्डिंग द विहार्स, के विहार्स को बनाने में कौन सहायता करते, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम क्वेश्चन अपना थर्ड लिखेंगे कि द लैंड ऑन विच द विहार्स वाज बिल्ड वाज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और लैंड ओनर और द किंग, द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट एंड क्लोथिंग, ये आपका पूरा यहाँ से आएगा कि वो, ठीक है। तो हमने पहले समझाया कि ये कौन है, ये जो लैंड जिससे बनता था ये क्या है, ये ओनर, ये लैंड के ओनर या किंग जो है ये वाली ज़मीन उनको देते थे, और जो स्थानीय जो मतलब आसपास के जो लोग थे वो गिफ्ट देते थे, इससे क्या उनका जो ये
बनता था। तो ये आप यहाँ से आपका इतना भी लिख लेंगे तो इतना भी सही होगा, क्योंकि हमें तो बस यही बताना है कि लैंड उन्हें कौन देता था। तो इतना भी अगर हम लिखेंगे हमारा इतना भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब ये एक्टिविटी है आपकी कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट एंशियंट विहार्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। के एंशियंट कौन सा एंशियंट लिखता है, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक आपका जूनार विहार है, ठीक है ना, जूनार विहार भी है इसका। ठीक है, आप एक जूनार विहार से लिख देंगे। तो ये आपका बच्चों आज की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही बच्चे हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए और बच्चे कोविड 19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।